नमस्कार ब्रेकफास्ट चैनल आपन मन को बहुत बहुत स्वागत बहुत दिन हला मु किछ रेसिपी आपन मन के संगे शेयर करिनी तो सेतिबे मु आज भाबिली आपन मन के संगे गुटे मीठा रेसिपी पकेबी आ आज मु गाजर का हलवा करिवि। गाजर हलवा खाइबा को बहुत टेस्टी लगे शीत दिन आ बहुत टेस्टी और डेलीशियस मु गाजर हलवा आज तैयारी करी आपन मन के संगे शेयर करिवि। तो चालंतु गाजर का हलवा करिया पे मु कोन कोन सब जिंस नै छी प्रथम देखि देबा। एटा होची 1.5 केजी गाजर ताकु कोरा हेची मिल्क नेची 1/2 केजी चीनी 200 ग्राम घी नेची 4 टेबलस्पून नेची आ किछि ड्राई फ्रूट्स एटी देसी घी नेची 4 टेबलस्पून टिके मेल्ट हो गले हम गाजर पकेबा जाय गला तो गाजर पके देबा आ मीडियम फ्लेम रे ताको हमें भाजीबा। गाजर को हमें मीडियम फ्लेम रे भाजीबा आ बिल्कुल ताको लीड माने कवर करिवानी सेमती भाजीबा कैना कवर कर देले पूरी पानी बाहरिबो जल्दी गाजर ता सुखिबोनी सुखिबे हमें बिल्कुल भी कवर करिवानी। प्रत्येक 10 मिनट रे हम एंती चालू थबा मीडियम फ्लेम रे पूरा बड़े भाव रे भाजी जीवा गाजर टा ए देखंतु गाजर केते कमी गेलानी आ ताको जेते बळे आपण चालू थिबे सेंती एंती मैश करथिबे तांसे गाजर टा एकदम सॉफ्ट हबो आ बड़े भाव रे हलवा रकम पूरा सब गुडा मिसी जीवो एमती एमती करी आप मैश कर दौथे मझे मझे तो ये तो गाजर आम पूरा रेडी ही जी। आउ पानी भी इतना ही तो अब हमें क्षीर पकईद गाजर हलवा बहुत प्रोसेस रे तैयारी करा जाए जमीती कि आप मिल्क मेड भी करेंगे आप खुआ भी करेंगे किंतु मुझे सिंपल घर जोड़ा अच्छे से आज तैयारी कर क्षीर से देखो यहाँ हो गला क्षीर मुझे तो गैस फ्लेम टिके कमेद आम ये कभर करद गाजर को आम सीझा को दबा तो किसी समय पर आम लीड ओपन करवा देखु गाजरटा बड़े भाव में सीझी आस तो एबे ये अवस्था आम ड्राई फ्रूट्स पकेबा तो ड्राई फ्रूट्स मुझे नहीं काजू नहीं आलमंड नहीं छोट छोट पीस करके काटिदे तो आम से पकईदे जिते बड़े क्षीरटा आमर पूरा मानने सुखीज क्षीरटा गाजर सागर बढ़िया भाव में होपर आम चीनी पकेबा तो पुणी आम लिड कभर करदे लिड खोल देखा देखा बढ़िया भाव में सीझी जाए तो ये आम चीनी पकेबा ये 200 ग्राम चीनी नहीं जिते मीठा खाइबे से अनुसार चीनी देते और हलवा टिके मीठा हेले ही भल लगे हलवा हला चीनी हला ये सब जिनसे टिके मीठा मीठा टिके बढ़िया लगे तो चीनी को आम दे 15 मिनट आम भल भाव चलेबा
ଚିନିଟା ଯେମିତି ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଁ ମୁଁ ରଖିଛି। ଚିନି ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ତାକୁ ଡ୍ରାଏ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଚଲାଉଥିବା, ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଇଲାଇଚି ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଜର ହାଲୁଆ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆଉ ସର୍ଭ କରିବା। ପିସ୍ତା ଆଲମଣ୍ଡରେ ଆମେ ଗାର୍ନିଶ କରିଦେବା। ତ ଆମର ଗାଜର ହାଲୁଆ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଗାଜର ହାଲୁଆ ଏଠି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆଜିର ଗାଜର ହାଲୁଆ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।